जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया वार्म अप मैच। आप सभी को बता दें, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले सभी टीमें तैयारियों में जुटी हुई हैं वार्म अप मैच के जरिए, जहां पर इंडिया ने दोस्तों दो वार्म अप मैच खेले, एक इंग्लैंड के खिलाफ एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दोनों ही वार्म अप मैच शानदार तरीके से जीते। वहीं बात करें इंग्लैंड के वार्म अप मैच की, तो वह न्यूजीलैंड के वार्म अप मैच की, तो इंग्लैंड ने अपना पहला वार्म अप मैच इंडिया के हाथों हारा, लेकिन आज के मुकाबले में दमदार वापसी करी। चलिए दोस्तों, आपको शुरुआत से जानकारी देते हैं कि यहां पर मैदान पर क्या कुछ बड़ा घटा, क्योंकि सबसे बड़ा दिलचस्प नजारा तो टीम इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिला, जो सचमुच दोस्तों कह सकते हैं कि टीम इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है आने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में, क्योंकि वहां पर दोस्तों उनका सामना कट्टर टीमों से होने वाला है, जो एकदम कह सकते हैं कि छन कर सामने आई है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए वो टीमें बनी हैं। वेस्ट इंडीज जैसी टीमों से उनका मुकाबला होगा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से मुकाबला होगा, लेकिन वहां पर अगर इयान मॉर्गन का बल्ला शांत रहा तो क्या होगा टीम इंग्लैंड का हाल। शुरुआत से जानकारी देते हैं दोस्तों, इस वार्म अप मैच में क्या देखने को मिला, कितने का स्कोर बना, कैसे न्यूजीलैंड की टीम चेज नहीं कर पाई। टॉलरेंस ओवल अबू धाबी का ये मैदान था, ठीक 3:30 बजे मुकाबला शुरू हुआ था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से खतरनाक डिसीजन ये था कि आज के मुकाबले में इन्होंने किसी को भी रेस्ट नहीं दिया, 15 के 15 खिलाड़ियों के साथ खेलती नजर आई। 11 खिलाड़ी ही मैदान पर खेलते हैं, लेकिन समय के साथ आप चेंज कर सकते हो, ये वार्म अप मैच की खासियत होती है। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें, प्लेइंग 11 ना सही दोस्तों, यहां पर अगर इनकी टीम की बात करें तो मोइन अली, डेविड विले और टॉम करन को सिर्फ बेंच पर बिठाया, यानी उनको रेस्ट दिया। बाकी जेसन लोए, जॉस बटलर, डेविड मलान, जॉनी बेस्टो और खुद कप्तान मॉर्गन आज खेले। लियाम लिविंगस्टोन, सैम बिलिंग्स, क्रिस वॉक्स, क्रिस जॉर्डन, टाइमल मिल्स, आदिल रशीद और मार्क वुड खेले। अब टॉस न्यूजीलैंड ने जीता, उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। सबसे खतरनाक पारी दोस्तों आज के मुकाबले में जॉस बटलर के बल्ले से देखने को मिली, लेकिन मैच की पहली गेंद ने सभी को हैरान कर रख दिया था। पहली गेंद टीम साउदी ने डाली जेसन रॉय को, और पहली गेंद पर ही दोस्तों टीम साउदी ने आउट कर दिया जेसन रॉय जैसे खतरनाक बल्लेबाज को, तो ये एक कह सकते हैं अनूठा नजारा था। लेकिन उसके बाद जॉस बटलर ने पारी संभाली और उनका साथ देने आए टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड मलान। 15 गेंदों पर 11 रन ही बना पाए एक चौके की मदद से। दिन का मुकाबला दोस्तों कहीं ना कहीं धीमी गति गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होता है, और जॉस बटलर, डेविड मलान और मॉर्गन तीनों का विकेट ही इस शोडी ने लिया। तो इस शोडी यानी कि आज के मुकाबले में छाए रहे, 11 रन बना पाए डेविड मलान, LBW आउट किया। उसके बाद कप्तान मॉर्गन जॉस बटलर का साथ देने के लिए आए, जो जॉस बटलर पिछले मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे। अब मॉर्गन ने दोस्तों यहां से थोड़ी शुरुआत अच्छी करने की कोशिश करी थी, एक चौका भी लगाया, लग रहा था कि आज के मुकाबले में सेट होकर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन फिर वही फटाहाल दोस्तों, 11 गेंदों में 10 ही रन बना पाए और इस शोडी ने इनको LBW आउट मारा। तब दोस्तों टीम का स्कोर 11वें ओवर की 5वीं गेंद तक 74 रन ही पहुंच पाया था। बहुत कम स्कोर था अगर देखा जाए मैदान के हिसाब से। लेकिन फिर उसके बाद जॉस बटलर का साथ देने के लिए बेस्टो आते हैं, लेकिन दूसरे छोर से अब जॉस बटलर अपना 50 कंप्लीट कर चुके थे, आगे पारी कंटिन्यू रखे थे। लेकिन अब 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर दोस्तों जॉस बटलर का विकेट भी गिरता है। 13वें ओवर की यानी कि 5वीं गेंद पर 102 रन जब टीम का स्कोर होता तब यहां पर विकेट गिरता है। 51 गेंदों में 73 रन की पारी जॉस बटलर खेलते हैं, इस शोडी इनका विकेट लेते हैं, कैच पकड़ते हैं काइली जेमिनसन, 11 चौके यानी कि 44 रन तो ऐसे ही बटोरे, उसके बाद 2 छक्के यानी कुल मिलाकर करीब 56 रन इस बल्लेबाज ने अपने बल्ले से सिर्फ बाउंड्री से बटोरे इस 73 रन की पारी में। 143 का स्ट्राइक रेट इस बल्लेबाज का देखने को मिला। जॉस बटलर दोस्तों सचमुच बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को भी काफी कुछ सराहने के लिए बातें कही थी, कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी कोई नहीं। जॉस बटलर खुद एक कीपर बल्लेबाज है, तो ये उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो जॉस बटलर की 73 रन की पारी टीम इंग्लैंड के लिए बहुत कारगर रही। दूसरे छोर से बेस्टो ने भी 21 गेंदों में 30 रन की पारी, 2 चौके, 2 छक्के, 142 के स्ट्राइक रेट की मदद से खेली। लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन जो KKR की तरफ से खेले थे इस बार IPL में, उन्होंने इनका विकेट लिया। उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन 2 गेंदों में 1 रन, ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर आउट हुए बनाकर। 17 गेंदों में 27 रन की पारी बिलिंग्स ने खेली, 3 चौके, 1 छक्के की मदद से, और क्रिस वॉक्स लास्ट में 2 गेंदों पर 3 रन बनाकर खड़े रहे। 8 गेंदबाजों का कुल इस्तेमाल किया गया आज के मुकाबले में, जिसमें दोस्तों 3 विकेट चटकाने में कामयाब रहे इस शोडी। ग्लेन फिलिप्स ने 1 ओवर में 6 रन देते हुए 1 विकेट चटकाया, साउदी ने 1 विकेट चटकाया 3 ओवर में 31 रन देते हुए, लॉकी फर्ग्यूसन ने 3 ओवर में 19 रन देते हुए 1 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। अब 163 यहां पर बना दिए थे इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, 164 बनाने थे टीम न्यूजीलैंड को। पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे दोस्तों मार्टिन गप्टिल के साथ टीम सैफर्ट। अब एक चीज देखने को मिली कि टीम सैफर्ट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। टीम के 88 रन के निजी स्कोर पर दोस्तों टीम सैफर्ट का विकेट गिरता है। 8 गेंदों में 8 रन बनाकर मार्क वुड की गेंद पर आउट होते हैं टीम सैफर्ट। दूसरे छोर से डेवन कॉर्मे
और मार्क टिन गप्टिल के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिलती है। लेकिन एक रोमांचक चीज दोस्तों इस मुकाबले में देखने को मिली कि न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान कैन विलियमसन खेल तो रहे थे, लेकिन दोस्तों वो बल्लेबाजी करने नहीं आए। सबसे बड़ा चेंज यही देखने को मिला जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। यानी कि जो हाल हम आईपीएल में हैदराबाद की टीम में देखते थे, जो कह सकते हैं कैन विलियमसन के साथ होता था, वही यहां पर न्यूजीलैंड का अभी भी हाल चल रहा है। आज कैन विलियमसन नहीं खेले तो यहां पूरी लय बिगड़ गई टीम की। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब 66 रन पर स्कोर था, तब मार्टिन गप्टिल 20 गेंदों में 41 रन की विस्फोटक पारी खेलकर गए। 4 चौके 3 छक्के इन्होंने बनाए थे और दोस्तों कहीं ना कहीं इन्होंने स्ट्राइक रेट और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो कवर करके रखा था 8 के आसपास का। लेकिन फिर उसके बाद होते यहां से विकेटों की शुरुआत। 81 रन पर तीसरा विकेट गिरता है 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर। 10वें ओवर की 6ठी गेंद पर यानी 10वें ओवर पर ही ग्लेन फिलिप्स का 87 रन पर विकेट गिरता है। फिर 10वें ओवर के बाद अगली गेंद जो लेकर आता है, यहां मार्क चैंपियन का विकेट लेते हैं आदिल रशीद। फिर उसकी अगली गेंद पर ही मिचेल सेंटनर को दोस्तों यहां पर एक गेंद छोड़कर अगली गेंद पर ही आउट कर देते हैं मिचेल सेंटनर को। फिर 87 रन पर दोस्तों यानी कि 3 विकेट गिर जाते हैं। तो टीम इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड पूरी तरीके से बेबस नजर आई आदिल रशीद की धारदार गेंदबाजी के आगे, और मार्क वुड ने भी अपनी गेंदबाजी से सबका दिल जीत लिया। डैरिल मिचेल का विकेट मार्क वुड ने लिया, मिचेल सेंटनर का विकेट आदिल रशीद ने लिया, टिम साउदी का विकेट मार्क वुड ने लिया। 11 गेंदों पर 10 रन उन्होंने बनाए थे। लास्ट में एश शोडी ने दोस्तों कोशिश की, 16 गेंदों पर 25 रन उन्होंने एक चौके दो छक्के की मदद से मारा। 13 गेंदों पर 16 रन टॉड एस्टल ने मारा एक छक्के की मदद से। लेकिन न्यूजीलैंड 150 के स्कोर पर ही पहुंच पाई और 10वें विकेट गिर चुकी थी न्यूजीलैंड की टीम की। 13 रन दोस्तों यहां पर जीतने में कामयाब रही इंग्लैंड की टीम। कैन विलियमसन बल्लेबाजी नहीं करने आए तो देख लीजिए मिडिल ऑर्डर का क्या हाल हो गया न्यूजीलैंड का। तो साफ ये है कि अगर न्यूजीलैंड के सामने जीतना है तो सबसे पहले उनके मिडिल ऑर्डर पर हमला करो। आपको एक चीज बता दें कि न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का भी मैच होगा, अफगानिस्तान के साथ भी मैच होगा और पाकिस्तान के साथ भी मैच होगा। अभी 2 टीमें और डिसाइड होनी बाकी हैं। तो न्यूजीलैंड को अगर हराना है तो यहां पर इनकी सीधा मिडिल ऑर्डर पर हमला करो। बाकी इनकी गेंदबाजी दोस्तों, यहां पर 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया टीम इंग्लैंड ने। 4 विकेट मार्क वुड ने लिए, 3 विकेट आदिल रशीद ने, 1-1 विकेट क्रिस वॉक्स और लियाम लिविंगस्टोन ने लिया। अब बात करें दोस्तों यहां पर मुकाबलों की, तो इंग्लैंड की टीम 23 अक्टूबर से दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ शाम 7:30 बजे से अपने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के अभियान की शुरुआत करेगी। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ करेगी 26 अक्टूबर से। ये मुकाबले काफ़ी रोमांचक होंगे, लेकिन आज का मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प था दोस्तों। लास्ट के ओवरों तक गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई, वरना तो मैच निकाल ले जाते शोडी। 13 रन यहाँ पर जीत के लिए चाहिए थे और 4 गेंदें अभी भी बची थी और सामने शोडी नाबाद खड़े थे। अगर टॉड एस्टल उनको पारी देते खेलने की तो शायद शोडी आज का मैच निकाल लेते। तो इस तरीके से दोस्तों इस वार्म अप मैच का हुआ अंत। अब यहां पर सीधा टीमें भिड़ती नजर आएंगी सुपर 12 में। दिन वाला मुकाबला दोस्तों सुपर 12 का बड़ा ही शानदार होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच, और साथ ही साथ शाम वाला मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच 23 अक्टूबर को होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्वालिफाइंग मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये सारे मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।